कि यहाँ पे प्रधानमंत्री जी आकर कहते हैं कि अगर देश भर में धान खरीदी का सबसे ज्यादा यहाँ पे दाम मिलता है तो उनकी बदौलत है। अब बताइए, ये जब प्रदेश सरकार काम करती है तो उसका श्रेय भी लेना चाहते हैं, इससे उनकी नीयत दिखती है। मैं उत्तर प्रदेश से आती हूँ, मैं इनसे पूछना चाहती हूँ, बनारस में धान खरीद का क्या दाम है? बनारस तो इन्हीं की जगह है, वहीं से चुनाव लड़ते हैं, क्या वहां पे दे रहे हैं जितना यहाँ छत्तीसगढ़ में मिल रहा है आपको धान के लिए? मैं पूछना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश में 1200-1400 का दाम क्यों मिल रहा है? फिर अगर आप ही देने वाले हैं तो सबसे पहले तो अपनी जगह दीजिए ना बनारस में, जगह जगह जाके प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मेरा गारंटी, मोदी का गारंटी, और दुनिया क्या कहे, क्या कहे दुनिया इस मोदी जी के गारंटी का, कि जब आपने 15 लाख का गारंटी दिया था हमारे खाते तो आज तक खाली हैं, ये आपका गारंटी क्या है? आपने कहा था कि आप करोड़ों रोजगार देंगे, क्या हुआ? तमाम नौजवान बेरोजगार खड़े हैं आपके केंद्र सरकार में, इतने पद खाली हैं आपने भरे ही नहीं। कहां गई आपकी गारंटी? कौन सी खोखली गारंटी है? आपने कहा था बेरोजगारी को मिटाएंगे, आज 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हमारे देश में आपकी बदौलत है। जब आपसे सवाल पूछे जाते हैं तब आप कोई नई गारंटी निकाल देते हैं। ये ऐसी बात है कि आप जब दुकान में जाते हैं और कुछ खरीदते हैं, दुकानदार आपको चाइना माल दे देता है, कहता है कि इसकी 10 साल की गारंटी है, घर जाते हो 10 दिन में टूट जाता है। यही है खोखली गारंटी मोदी जी की। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।